आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट। इसके लिए यहाँ मैंने एक छोटा बॉल मैदा लिया है। इसके बाद इसमें हाफ छोटी चम्मच नमक, हाफ छोटी चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसे डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बना लेना है। डो हम लोगों को बहुत गीला नहीं रखना है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और इसका डो बना लीजिएगा। ये देखिए डो बन के रेडी है। अब इसका हम लोग छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। अब एक बॉल लेंगे और इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। इसके बाद इसे आटे या मैदे में इस तरह से मिला लेना है, जिससे जब इसे हम लोग बेलें तो ये चिपके नहीं। अब इसे हम लोगों को बेल लेना है। इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे ठीक भर बेलना है। जैसा आप लोग पूड़ी बनाते हो उसी प्रकार से इसे बेल लेना है। अब एक फोर्क लेंगे और इससे पूड़ी में छेद कर लेंगे, जिससे जब इसे हम लोग फ्राई करें तो ये फूले नहीं। अब एक कटोरी लेंगे और इस तरह से हमें गोल गोल पापड़ी बना लेना है। इसी प्रकार से मैंने सारे पापड़ी को बना लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक पापड़ी को डाल देना है। पापड़ी को बीच बीच में चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लीजिएगा। कुछ देर के बाद गैस का फ्लेम को लो कर लीजिएगा और इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मतलब कि इसे जलाना नहीं है। ये देखिए पापड़ी का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इस पापड़ी को निकाल लूंगी। इसी तरह से मैंने सारे पापड़ी को फ्राई कर लिया है। ये देखिए पापड़ी कितनी अच्छी तरह से क्रिस्प बना है। अब मैं यहाँ एक छोटा बॉल चना ली हूँ, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और हाफ छोटी चम्मच नमक डाल के इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करके इसके पानी को इससे अलग कर लेंगे। अब हम लोग पापड़ी बनाएंगे। इसके लिए एक प्लेट में पापड़ी को रख देंगे। इसके बाद इसमें बॉईल आलू डालेंगे। फिर इसमें बॉईल किया हुआ काबुली चना डालेंगे। इसके बाद इसमें फेटा हुआ दही को डाल देंगे। फिर इसमें इमली की चटनी डालेंगे। इस इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही बना के डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, हाफ छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ छोटी चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, फिर से इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे और इसके बाद फिर से इसमें इमली की चटनी डालेंगे।
अब इसमें सेब डालेंगे और सबसे लास्ट में इसमें अनार के दाने डाल के इसे सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा पापड़ी चाट बनके रेडी है। थैंक यू।